नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग 10 कदम सीरीज हल करेंगे और इस सीरीज का ये भाग संख्या 7 है। इसके पहले 6 पार्ट बनाए जा चुके हैं 10 कदम। अगर आपने उन सभी पार्ट को नहीं देखा है तो उन सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। 10 कदम के सीरीज में आपको 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मिलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस 10 कदम के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लोगों को, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। प्रश्न नंबर 1 है, संघई महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या गोवा में? तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। तो संघई महोत्सव जो है वो मणिपुर में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बथुकम्मा राज्य त्यौहार मनाया जाता है। बथुकम्मा किस राज्य में त्यौहार मनाया जाता है? बथुकम्मा राज्य त्यौहार के रूप में मनाया जाता है किस राज्य में? मणिपुर में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तो बथुकम्मा राज्य त्यौहार के रूप में तेलंगाना में मनाया जाता है और ये तेलंगाना का राज्य त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, नुआखाई कृषि उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? प्रश्न है, नुआखाई कृषि उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, उड़ीसा में। तो नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है जो कि गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह त्यौहार पश्चिमी उड़ीसा में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो नुआ खाई में नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, ठीक है। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। तो ये किसानों के द्वारा उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 हैं, कौन सा शहर जेरूसलेम मुंबई महोत्सव नामक पहले सांस्कृतिक उत्सव की मेज़बानी करता है? बताइए कौन सा शहर है जो जेरूसलेम मुंबई महोत्सव नामक पहले सांस्कृतिक उत्सव की मेज़बानी करता है? जेरूसलेम, मुंबई, नई दिल्ली या तेल अबीब याफो? तो बताइए कौन सा शहर है जो जेरूसलेम मुंबई महोत्सव नामक पहले सांस्कृतिक उत्सव की मेज़बानी करता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई। तो जेरूसलेम मुंबई महोत्सव नामक पहला सांस्कृतिक उत्सव भारत द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाना है। यह त्यौहार भारत और इजराइल के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। हाल ही में सुर्खियों में रहा पुतोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? बताइए हाल ही सुर्खियों में रहा पुतोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है? असम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड या ओडिशा?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए आश्रम। तो पुतोला नाच जो है कठपुतली कला असम में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है वैशाख मई के महीने में पूर्णिमा का दिन किस धर्म का पवित्र दिन है। तो बताइए वैशाख मई के महीने में पूर्णिमा का दिन किस धर्म का पवित्र दिन है। सिख धर्म का है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, या इस्लाम धर्म का है। तो सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। वैशाख मई के महीने में पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के लिए बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन मनाया जाता है, और 623 ईसा पूर्व में वैशाख के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, या उसी दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसलिए वैशाख मई के महीने में पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म का पवित्र दिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर, जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर में 3 नई गुफाओं की खोज की, जो कि महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। मध्वाचार्य वेदांत के किस शाखा के प्रमुख प्रस्तावक थे। बताइए मध्वाचार्य वेदांत के किस शाखा के प्रमुख प्रस्तावक थे, द्वैत, अद्वैत, या विशिष्टाद्वैत, या शुद्धाद्वैत। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए द्वैत। तो माध्वाचार्य एक हिंदू दार्शनिक और वेदांत दर्शन के द्वैतवाद के प्रमुख प्रस्तावक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में किस भक्ति संत की तस्वीर है। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। तो हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी में रामानुजाचार्य जो कि भक्त संत हैं उनकी तस्वीर है। तो रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मूर्ति का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। गुरु रविदास का जन्म स्थान कौन सा है, अमृतसर है, वाराणसी है, पटना है, या अहमदाबाद है। तो सही जवाब क्या होगा, तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाराणसी। तो गुरु रविदास का जन्म स्थान वाराणसी है। गुरु रविदास एक भारतीय राष्ट्रवादी कवि और समाज सुधारक थे। तो यहाँ पे 10 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और
इस 10 के दम सीरीज के विषय में जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, जिससे ये अनवरत चलती रहे जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।